नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष बात। मैं हूं सुनील यादव। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं द चाइल्ड केयर एकेडमी। यहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार। एडमिशन ओपन। आचार संहिता का शासकीय कर्मचारी के द्वारा उल्लंघन करते हुए नपा कार्यालय में भाजपा नेताओं के साथ अपने जन्मदिन की पार्टी मनाने वाले मामले में निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई करते हुए उक्त कर्मचारी संजय उर्फ बंटी गोयल को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि सिवनी मालवा नगरपालिका कार्यालय में पदस्थ समयपाल एवं प्रभारी लेखापाल संजय उर्फ बंटी गोयल के द्वारा अपने जन्मदिन की पार्टी भाजपा नेताओं के साथ नगरपालिका कार्यालय में मनाई गई थी, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उक्त कर्मचारी की शिकायत आयोग से एनएसयूआई के प्रदेश सचिव देवेंद्र उर्फ मोनू यादव ने की थी, जिसकी जांच के बाद आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन नपा कर्मचारी संजय उर्फ बंटी गोयल के द्वारा किए जाने के चलते उन्हें निलंबित कर दिया है। सिवनी मालवा में हुई कार्रवाई के बाद अब अन्य शासकीय अधिकारी कर्मचारी भी आचार संहिता को लेकर सतर्क हो गए हैं, जिसके चलते कई शादियों में अब शासकीय अधिकारी कर्मचारी नजर नहीं आ पाएंगे। उसका जांच प्रतिवेदन यहाँ से जिला निर्वाचन एवं कलेक्टर महोदय के पास भेजा गया था और उसमें ये प्रमाणित पाया गया था कि उसमें शासकीय कार्यालय में और उसमें कुछ राजनीतिक व्यक्तियों के साथ में ऐसा आयोजन करा गया था, वो शामिल पाए गए थे और इसलिए जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा निलंबन किया गया। सिवनी मालवा के सबसे प्रसिद्ध भीलड़देव मेले का शुभारंभ जनपद पंचायत सीओ रीना चौहान और जनपद के अधिकारियों कर्मचारियों ने भीलड़ बाबा एवं भान बाबा को निशान चढ़ा पूजन अर्चन कर किया, लेकिन मेले के संचालन की पूरी व्यवस्था देखने वाले जनपद के अधिकारी कर्मचारी सार्वजनिक शौचालय का ताला खुलवाना भूल गए, जिसके चलते मेले में आने वाले दुकानदार खुले में सोच जाने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि मेले में आने वाली दुकानों झूलों सहित पार्किंग और बिजली का ठेका दिए जाने से जनपद को बड़ी आय होती है, लेकिन उसके बाद भी ना तो मेले में जनपद के जिम्मेदार अधिकारी अस्थायी शौचालय की व्यवस्था करते हैं, ना ही साफ और स्वच्छ पीने के पानी की। हाँ, आप सभी दर्शकों को और जनपद के अधिकारियों को एक बार फिर हमें याद दिला दें कि सिवनी मालवा जनपद के अधिकारी स्वच्छता को लेकर कई बार सम्मानित भी हो चुके हैं। अब देखना यह है कि भीलड़ बाबा मेले में कैसे शासन के स्वच्छता अभियान को सम्मान लेने वाले अधिकारी कर्मचारी सफल बनाएंगे या फिर गंदगी के बीच ही मेला संपन्न होगा। भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव को भव्य एवं विशाल रूप से मनाने को लेकर सर्व ब्राह्मण समाज की महिला मंडल नगर अध्यक्ष चंचल शास्त्री सहित सर्व ब्राह्मण समाज के नगर अध्यक्ष विकास पाठक के नेतृत्व में युवक युवतियों के द्वारा घर घर जाकर समाज के महिलाओं पुरुषों सहित युवक युवतियों से संपर्क कर उन्हें भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव में सहभागिता करने की अपील की जा रही है। सर्व ब्राह्मण समाज महिला मंडल अध्यक्ष चंचल शास्त्री ने बताया कि सभी सामाजिक महिलाएं भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव में सहभागी बन जिम्मेदारी लें और एक सफल आयोजन करें, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव भव्य एवं विशाल रूप में मनाने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। वही विकास पाठक ने बताया कि हमारी पूरी कोशिश है कि भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव में अधिक से अधिक युवक युवती शामिल हों और कार्यक्रम की जिम्मेदारी लें, क्योंकि भविष्य में युवाओं को ही सभी आयोजन करने हैं। इस अवसर पर प्रमुख रूप से रानू भार्गव, पंकज शर्मा, सुब्रत शर्मा, राजा तिवारी, प्रियांशु पाठक, आदित्य संगे, प्रद्युमन तिवारी, अमोल पुरोहित, शिवांग तिवारी सहित अन्य युवक उपस्थित थे। सिवनी मालवा में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने शहर के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, एसपी एमएल छारी, एसडीएम रविशंकर राय, तहसीलदार दिनेश सावले, सिवनी मालवा थाना प्रभारी अजय तिवारी, शिवपुर थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह चौहान, डोलरिया थाना प्रभारी सुनील ठाकुर, नायब तहसीलदार नीलेश पटेल, ओपी सोनी सहित जिले का पुलिस बल फ्लैग मार्च में शामिल था। फ्लैग मार्च सिवनी मालवा थाने से शुरू होकर गांधी चौक, कुचबंदिया मोहल्ला, राही चौक, कल्लू चौक, नर्मदा मंदिर चौक, मस्जिद मोहल्ले से वापस थाने पहुंचा। पवित्र देव स्थल भीलड़ बाबा में साल में दो बार भीलड़ बाबा नीर लेकर आगामी 6 माह की भविष्यवाणी करते हैं और इसी क्षेत्र के माह में विशाल मेले का भी संचालन जनपद पंचायत के द्वारा किया जाता है। बाबा की भविष्यवाणी सुनने और मेला देखने हरदा, होशंगाबाद सहित बैतूल एवं आसपास के जिले से बाबा के हजारों भक्त मंदिर प्रांगण एवं मेला स्थल पहुंचते हैं। कई जिलों में आस्था का केंद्र माना जाने वाला तीर्थ स्थल प्राचीन भीलड़देव मंदिर अचानक चर्चा में आ गया, जब बुधवार के दिन मेले का शुभारंभ करने पहुंची जनपद सीओ रीना चौहान ने
मंदिर में रखी दान पेटी को ताला लगा सील कर दिया। जब इस मामले को लेकर जनपद पंचायत सीओ से जानकारी लेनी चाही गई, तो उन्होंने कहा कि मंदिर पर वहां के पुजारी का एकाधिकार है, जिनकी कई शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते दान पेटी में ताला लगा सील किया गया है, जिसे सभी के सामने खोलकर जो भी चढ़ावा आता है उसे मंदिर के विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा। पंडित जी, दान पेटी में जो सील वाले ताले किसने लगा के गए हैं? जनपद पंचायत से सीओ मैडम आई थी, उन्होंने ये लगवा के क्या बोला था? बोले सार्वजनिक मंदिर है और इसमें जनपद पंचायत मेले की व्यवस्था देखती है, मंदिर की व्यवस्था भी हमें लगती है। मंदिर में इसके पहले कभी ऐसी चीज़ें हुई है पिछले? आज तक इस तरह की कोई चीज़ मंदिर में नहीं हुई। हमें लोग मंदिर की व्यवस्था देखते हैं, मंदिर का काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हमारे पिताजी जिला जो भी पढ़ा जा रहे हैं, सारे लोग उनसे समस्या का निवारण करते हैं, इसी कारण स्थान भी प्रसिद्ध है। कितने सालों से मेला भरा रहे हैं? मेले तो कई वर्ष हो गए तब से मेला। आज तक कभी जनपद में इस तरीके का इंटरफेयर? आज तक जनपद ने इस तरह की कोई भी कार्रवाई मेले में हस्तक्षेप कर दी। ये चीज़ें आपने जनपद सीओ से बोली थी? हाँ, ये मैंने मैडम से निवेदन किया था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आज तक इस तरह की बात नहीं आई, क्योंकि हमको इसकी बहुत शिकायत मिल रही है। कोई समाज मतलब भीलट बाबा का मेला आज से शुरू हुआ है और मंदिर की जो दान पेटी है उसमें जनपद द्वारा ताला लगाया गया है, क्या कारण है? देखिए, इस बार भी भीलट देव का जो प्रसिद्ध मेला है, काफ़ी बड़ा हमारा मेला है और आज उसका औपचारिक शुभारंभ आज सुबह किया गया है। जो जहां तक ताला लगाने की बात है, वहां पर पिछले कई सालों से ये शिकायत प्राप्त हुई है और ये सही भी बात है कि वहां पर जो वहां जो पुजारी हैं उनका उस पूरे मंदिर पर एकाधिकार रहा है। क्योंकि जनता का मेला है, हमारे काफ़ी सारे लोग इस मेले में दूर दूर से आते हैं, तो इस बार ये था कि जनता को भी हम जनपद पंचायत द्वारा जो ये एक्शन लिया गया है, इस कारण से लिया गया है कि जनता को पता चले कि उस मेले से जो चढ़ावा आता है मंदिर में वो कितना आता है, ये आम जनता के लिए, क्योंकि पैसा ये जो है जनता का पैसा है और उस मंदिर के विकास के लिए है। तो अभी तक इस प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे कि उसका कोई हिसाब किताब रखा जा सके, तो इसीलिए जनपद पंचायत द्वारा आज जो हमारा 10 दिन का मेला होने वाला है उसके संबंध में जो मंदिर की जो दान पेटी थी आज उद्घाटन के बाद उसको जो है सील किया गया और मंदिर समिति के ही हैंडओवर है अभी वो, और कुछ लोगों को हमने वहां पर व्यवस्थाओं के लिए भी रखा है ताकि मंदिर में और मेले में आने वाले श्रद्धालु और हमारे जो आम जनता है परेशान ना हो, उनके लिए हम आवश्यक व्यवस्थाएं वहां पर सुनिश्चित करवा सकें। कब तक ताला लगा रहेगा और जो चौथी आएगी उसका क्या उपयोग होगा? जो मंदिर में जो ताला जो अभी लगाया है, अभी तात्कालीन व्यवस्था के लिए हमने जो हमारा मेला अभी 17 तारीख से 27 तारीख के बीच जो 10 दिनों का मेला है उसके लिए लगाया है, और उसके बाद जो है चूंकि वहां पर कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई समिति नहीं है, तो आगे हम ट्रस्ट की उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इतना जो प्रसिद्ध हमारा मेला है जहां पर लोगों की अपनी एक श्रद्धा है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा हम विकास कार्य कर सके। मेला अवधि तक अभी जो है वो उसमें ताला लगा हुआ है, उसके बाद सबके समक्ष में वो पेटी खुली जाएगी और जो चढ़ावा आएगा उसको जो दान पेटी में जो भी राशि एकत्रित होगी उससे मंदिर विकास का काम किया जाएगा।